वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक से ज़्यादा मेल विथ डायनेमिक डिटेल्स एक सिंगल क्लिक में आप कैसे भेज सकते हैं। मैं हिमांशु कल्याणी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट फ्लो के पावर ऑटोमेट को यूज करके आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल, मेरे पास ये एक्सेल का डेटा है जिसमें जो रीजनल मैनेजर है उनका एम्प्लॉय कोड है, रीजनल मैनेजर का नेम है, वो कौन से लोकेशन पे काम करते हैं, उनका डिफरेंट मेल आईडी है और उनके सेल्स टारगेट है। इसके अलावा उनके सेल्स जो हेड है उनके मेल आईडी है और नेशनल सेल्स के आईडी है। तो मेरे को ये करना है कि भाई ये हर एक जो रीजनल मैनेजर है उसको मेरे को एक सेल्स टारगेट भेजना है उसके मेल आईडी पे और सीसी में जो भी स्टेट है उसके सेल्स हेड को और नेशनल हेड को भी सीसी करना है। और ये सभी चीज़ मेरे को डायनेमिक डिटेल के साथ सबको इंडिविजुअली जो जिसका डेटा है उसको भेजना है। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट फ्लो या तो पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप एक्सेल में कोई डेटा बनाते हो तो वो डेटा टेबल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने सिंपल शीट में कोई भी डेटा है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में नहीं होगा तो आप उसको वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लो में। माइक्रोसॉफ्ट फ्लो में जाके मैं न्यू फ्लो क्रिएट करता हूँ। मेरे को ये जो फ्लो है वो मैन्युअली ट्रिगर करना, इसलिए मैं इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बनाता हूँ। और सबसे पहले मैं फ़्लो का नाम दे देता हूँ, जैसे कि कोई एक मैं नाम देता हूँ सेंड टारगेट टू आरएम। ओके, मेरे को मैन्युअली ट्रिगर करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ब्लैंक फ्लो आ गया है, तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूँगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या करूँगा, जो भी मेरा एक्सेल में डेटा है वो डेटा को मैं यहाँ पे फेच करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू स्टेप करता हूँ और एक्सेल बिजनेस ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट फ्लो जो है या पावर ऑटोमेट जो है वो ऑफिस 365 के साथ फ्री नहीं आता है। ऑफिस 365 अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ पावर ऑटोमेट फ्री नहीं आता है। अगर आपको एज ए ट्रायल उसको यूज़ करना है प्रीमियम फीचर्स के साथ, तो आपको स्कूल अकाउंट या तो बिजनेस अकाउंट से आप ट्रायल अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस 365 E3 वगैरह लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप पावर ऑटोमेट उसके साथ फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जितने भी मेरे डेटा है यहाँ पे उसको लिस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट। मैं क्या करता हूँ, लिस्ट रो प्रेजेंट इन अ टेबल, मतलब कि टेबल में जो डेटा है उसको मैं फैच कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेशन, मेरा फाइल जो है वो कहाँ पे है, जैसे कि मैंने फाइल जो है वो वन ड्राइव में सेव किया है तो मैं वन ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे फाइल का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फिर फाइल का नाम है टारगेट मेल टू आरएम। उसके बाद उसमें जितने भी टेबल आपके बने हुए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे एक ही टेबल है तो टेबल टू मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे जितना भी डेटा था मेरा एक्सेल में वो मैंने लिस्ट आउट कर लिया। अब आपके एक्सेल में 2, 4, 5, 10, 20, 50 कितने भी रो हो सकते हैं। हर एक रो में आपको इंडिविजुअली उसको मेल करना है तो आपको हर एक रो पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए मैं कंट्रोल ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद एक्शन, क्या एक्शन करनी है मेरे को, अप्लाई टू ईच, मतलब हर एक रो पे काम करना है, क्या काम करना है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। तो अप्लाई टू ईच सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन किस को, तो वैल्यू को। कौन सी वैल्यू, जो अगले स्टेप से जो वैल्यू मेरे को मिली है वो वैल्यू में हर एक रो पे मेरे को काम करना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद करता हूँ ऐड एक्शन। अभी मेरे को क्या करना है, भाई सबको मेल भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्शन लिख देता हूँ, भाई सेंड मेल। मैं ऑफिस 365 यूज़ करता हूँ तो सेंड एन ईमेल ऑफिस 365 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप जीमेल से भेजना चाहते हो तो आप जीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे टू किसको मेल भेजना है,
अब फ्रेंड्स यहाँ से मेरे को सब डेटा डायनेमिक चाहिए। टू में मेरे को जो भी आरएम है वो आरएम को, जैसे कि ये हेमंत शुक्ला करके आरएम है, उसके मेल आईडी पे मेल जाना चाहिए, उसका टारगेट, उसके सेल्स हेड जो है और नेशनल हेड। यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स हेड सबके डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके सेल्स हेड को ही सीसी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू में जाके एड डायनेमिक कंटेंट में जाके मैं मेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ मेल आईडी वाले कॉलम लिस्ट हुए हैं, तो उसमें से जो मेल आईडी है वो आरएम है, जिसको मेरे को मेल भेजना है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको लिखना है, टारगेट फॉर आरएम कोड करके मैं यहाँ पे वो भी डायनेमिक डेटा डालता हूँ कि भाई सबको आरएम कोड के नाम से सब्जेक्ट जाए, ठीक है। या तो आप स्टेट वगैरह जो भी आपको डेटा लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बॉडी लिख देता हूँ, भाई डियर। अब जो भी बंदे को मैं मेल करता हूँ उसके नाम के साथ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डियर आरएम नेम, कॉमा करता हूँ, एंटर देता हूँ और मैं कुछ भी लिख देता हूँ, भाई योर सितंबर मंथ टारगेट इज, एक टारगेट वाला सेल, टारगेट यूनिट, ओके यूनिट्स करके मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। अभी मैं रिगार्ड्स करके, अगर मेरे को और कुछ भी लिखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ और बाकी मैं अपना मेल ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बॉडी में आपको कोई फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि भी मेरे को ये जो पूरा है वो बोल्ड में जाना चाहिए तो मैं बोल्ड कर लेता हूँ। रिगार्ड्स जो है मेरे को बोल्ड भी करना है और उसको मेरे को कलर भी चेंज करना है तो मैं उसको बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर में जाके सपोज़ मैं उसको रेड कलर कर देता हूँ, ओके। तो इस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी जैसे कि ये यूनिट जो है उसके, उसको मेरे को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे कलर में जाके सपोज़ मेरे को उसको ये कलर से हाईलाइट करना है तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शंस है, शो एडवांस ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे ऑप्शन है सीसी। तो सीसी में मेरे को क्या करना था कि उनके जो सेल्स हेड है उसको सीसी जाना चाहिए, सेमी कॉलन डालता हूँ, नेशनल हेड को भी सीसी जाना चाहिए, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट्स इट। ये मेरा फ्लो ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा, मैन्युअली करके मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जहाँ से मैंने डेटा उठाया है उस पर वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और रन फ्लो करता हूँ। तो जैसे ही आपका टेस्ट डन हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस हिसाब से ये फ्लो अभी चल रहा है। जैसे ही फ्लो आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो एरर भी यहाँ पे राइट साइड में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा मेरा जो भी था वो सेंड हो गया है, मैं आपको मेल में भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सभी बंदों को मेल चला गया है अपने नाम के साथ और डायनेमिक डिटेल के साथ कि टारगेट फॉर आरएम कोड KBV7589, उसका मेल आईडी KBV7589 और उसका जो स्टेट एड थे या नेशनल एड थे और उसका टारगेट, जैसे कि यहाँ पे ये इसका नाम है गोपाल कृष्णा, तो हम एक्सेल में चेक करते हैं भाई गोपाल कृष्णा, तो गोपाल कृष्णा का 43 टारगेट था, उसके सेल्स हेड जो थे उसका जो आईडी था MHSH करके था और उसका ये मेल आईडी था, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डियर गोपाल कृष्णा, इसका मेल आईडी और इसका यूनिट वो पूरा गया। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबका जो टारगेट है, सबके जो स्टेटेड है उसको वो डेटा उसका पहुँच गया है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप विद इन अ सिंगल क्लिक और 5 मिनट में एक आप अपना फ्लो बना सकते हो और आप चाहे 20, 50, 100, 200 मेल एक सेकंड में, मतलब एक सिंगल माउस क्लिक से आप सबको भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।